तो जैसे कि दोस्तों मैं आज आप लोग लेके आया हूँ ओप्पो F9, ठीक है, जो आपके सामने है ओप्पो F9। तो जिस वीडियो को मैं बताऊँगा ओप्पो F9 को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं आफ्टर टेक्निकल, मेरा नाम है अंकित कुमार। चलिए देखते हैं क्या क्या है ओप्पो F9 में, ठीक है, इस डब्बे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त ढंग से मिल सकती हैं। देखिए ये जो ओप्पो F9 है, इसमें जो हाईलाइट किया गया है वो है कुछ हमारे ये 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कुछ ऊपर ओप्पो ने हाईलाइट किया है। और ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है इसे वो बुलाते हैं वाटर ड्रॉप, ठीक है, जो ऊपर में आपको साइड में दिख जाएगा उसे वो लोग वाटर ड्रॉप बुलाते हैं। जो ओप्पो F9 ये ओप्पो का डिब्बा है जिसमें आपको पीछे काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसका ये सब MI कोड वगैरह जो भी हैं ये आपको पीछे यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। MI कोड हो गया आपका जो भी ओप्पो F9 का। अब आते हैं ओप्पो F9, जैसे कि जो हमारा रेड कलर है और जो भी कलर आते हैं तीन कलर में ओप्पो F9 जैसे कि लॉन्च हो गया है। इसका कुछ यही 12 MP फ्रंट कैमरा हो जाएगा सेल्फी वाला और अंदर का हो जाएगा 16-18, यही कुछ होगा, ठीक है। चलिए ओपन कर लेते हैं हम अपने डब्बे को। ये हुआ ओपन, अब हम इसके अंदर अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा जो ओप्पो का इसमें क्या हो सकता है। जी इसमें कुछ होगा यही सिम रिजेक्टर टूल्स, ओपन करके देखते हैं। बिल्कुल सही, ये निकला हमारा सिम रिजेक्टर टूल्स और इसके अंदर मिल जाता है एक किताब और एक अच्छा कवर जो काफ़ी स्मार्ट है। किताब में हमारे को गारंटी वगैरह होती हैं जो इसमें जो भी मोबाइल की गारंटीज है या फिर मोबाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया होगा। और ये रहा हमारा दोनों किताब, दो किताब इसमें दिया गया है, ठीक है, दोनों के। ये रहा हमारा कवर, ये काफ़ी झकास कवर है जैसे कि नाइस ब्यूटीफुल लुक से यार। अब आते हैं अपने मोबाइल की तरफ, वो इस पर एक प्लास्टिक का जो कवर लगा हुआ है हमें इसको निकालते हैं अपने मोबाइल को, ठीक है। ये काफ़ी नाइस और काफ़ी स्मार्ट इसका लुक है यार। सॉरी डब्बे के ऊपर तो रेड दिया था, हम इसको निकाल कर देखते हैं। ये रेड कलर का मोबाइल हम लोग को नहीं दिया गया है, शायद पैकिंग करते समय कभी गलती हो जाया करती है। ये देखिए ये कुछ मिला हमको इस कलर का, इसको मैं वाकई जो भी है पीछे वाह क्या एकदम स्मार्ट लुक है यार, काफ़ी अच्छा इसका लुक है। हम इसकी स्टिकर को काट देते हैं, ये गारंटीज वगैरह इसको आपको साइड से रखना होगा, रख देते हैं। अब देखिए ये रहा हमारा ओप्पो, काफ़ी अच्छा मोबाइल है ओप्पो और काफ़ी अच्छा इसका स्मार्ट लुक है। आप कहीं पार्टी वगैरह में ले जाने के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, डबल कैमरा और नीचे भी दिखा सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है ये। यहाँ पर आपको LED लाइट मिलेगा जो है वो सबसे क्लीन LED लाइट मिल जाता है और डबल कैमरा है जो अच्छा है। और चलते हैं इसके अंदर, ये देखिए वो हम लोग को मिला ओरिजिनल ओप्पो का चार्जर जिसको हम लोग देख रहे हैं। ये कुछ देखते हैं कैसा होगा, ओप्पो का चार्जर है, डाटा केबल है और अंदर में एक एयरफोन भी दिखाई दे रहा है जो काफ़ी बेटर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस चार्जर के बारे में। चार्जर है कुछ 5 एम्पियर का, ठीक है, नहीं 5 एम्पियर 4 एम्पियर चार्जर है। और ये रहा हमारा डाटा केबल, जो ओरिजिनल ओप्पो का डाटा केबल है वो थोड़ा लंबा दिख रहा है। अब इसको देखते हैं इसका चार्जिंग स्पीड भी। हाँ, और कंपनी ने बताया कि डाटा केबल के साथ इसकी चार्जिंग स्पीड इतनी ज़्यादा होंगे कि ये पूरे 50 लगभग 30 मिनट में 50% चार्ज कर देगा, यानी कि एक घंटे में फुल चार्ज लगभग कर देगा हमारा फ़ोन को, ठीक है। और जब 5 मिनट चार्जिंग में लगा देते हैं तो ओप्पो आपको 2 घंटा तक बैटरी बैकअप देता है। और अब हम लोग अपने एयरफोन को चार्ज, डाटा केबल तो अच्छा रहा, एयरफोन को चेक करते हैं। ये रहा हमारा एयरफोन जो काफ़ी अच्छा है, अच्छे साउंड के साथ एयरफोन ने ओप्पो दे रहा है जो कि EMI नहीं देता है। अब आते हैं ओप्पो के पीछे की जो ये है फिंगरप्रिंट्स, ये है फ्रंट कैमरा और नहीं बैक कैमरा सॉरी, और ये LED लाइट काफ़ी अच्छा है। इसके जो नीचे हैं यहाँ पर आपको चार्जिंग मिल जाते हैं, जो बोला ओप्पो ने मैंने अभी बताया, ओप्पो बताते हैं कि 5 मिनट में आप 2 घंटे की बैटरी बैकअप ले सकते हैं इससे केवल बात करें तो, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है, आप हम इसको ऑन करके देखते हैं, कुछ ओप्पो को ऑन कर देते हैं। ये रहा हमारा पावर बटन, ठीक है, इस सब जो भी है अच्छी खासी क्वालिटी। हम इसके सिम रिजेक्टर, पहले सिम चेक करते हैं हमको, आई होप इसमें 2 सिम लग सकता है और एक ये रहा देखिए 2 सिम लगाएंगे और एक मेमोरी, ये काफ़ी बेटर है। जैसे कि कुछ रेडमी के सेटों में आता है कि 1 सिम लगेगा तो मेमोरी लगा तो 2 सिम नहीं लग पाएगा, लेकिन यहाँ पर तीनों एक साथ में लगा सकते हैं, ये काफ़ी बेहतर है। हम इसे MI से तुलना करा सकते हैं, तो इसमें अधिक फीचर दिए जा रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी MI से बेटर तो नहीं होगा। आइए इसको अब स्विच ऑफ ओपन कर लेते हैं। ओप्पो पावर बाई एंड्रॉयड आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने जो है ओप्पो पावर बाई एंड्रॉयड, ये देखिए वाटरमार्क स्क्रीन है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वाटर ड्रॉप स्क्रीन कैसा होता है हमारा। ये जो स्क्रीन काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, ठीक है। अब हमारा थोड़ी देर हम कैमरा को देखिए, ये रहा खुल गया, एक अच्छी 13 मिनट जो भी है आपको बता दे रहा है, ऑफ किए देखिए वाह। अब आप देख सकते हैं इसमें जो एप्लीकेशन फेसबुक वगैरह पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में अंदर, इसके और भी क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम इसको कुछ यही हमारे 6.3 इंच का डिस्प्ले है, 2200 जो भी है, इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, वाटर डिजाइनिंग है, ठीक है।
सिंपली हम लोग इसका कैमरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ये कुछ 5 मिनट में ये देख सकते हैं आप, ऊपर से नीचे से चारों तरफ से अभी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वाह ऑसम लग रहा है हमको तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए अब कैमरा स्टार्ट, ओह कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है, आप देख सकते हैं इसको, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा वॉलपेपर, देखिए ऑनलाइन कैमरा वॉलपेपर आता है जो हमने इसे सेट कर दिया, देख सकते हैं आप कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, ये लगेगा जैसे कि हर पर दिखाई दे रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है आपको कैमरा से सिंपली। अब इसे चार्जिंग स्पीड देख लेते हैं, ये चार्जिंग कुछ है यही, देखिए चार्जिंग स्पीड स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक बोर्ड लाते हैं और इसमें डाटा केबल अपने जो नया चार्जिंग से चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, चार्ज लगा दिए, अब इसको स्टार्ट किए, ये रहा 1%, देखिए बूटिंग स्टार्ट। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे जो 1 सेकंड है इसके करके हमारा, देखिए 5 मिनट बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए वाह 5 मिनट बाद 10%, वाह 5 मिनट में 10%, मतलब 50 मिनट में फुल चार्ज लगभग इसका स्पीड दिया तो हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए 32 डिग्री सेल्सियस जो काफ़ी अच्छा है, बिना हीट हुए अच्छा से चार्ज हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसका हीटिंग प्रॉब्लम होता है, पर ये अब ओप्पो ने सुधार किया है तो काफ़ी शायद कम ही हो। ठीक है, ये देखिए 30 मिनट में 55% चार्ज हो गया हमारा बेसिक मोबाइल चार्जिंग। अब देखते हैं 56% 31 मिनट में, ठीक है फुल चार्ज करके देखते हैं, इसका अभी भी देख सकते हैं टेम्परेचर 32 से 35 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा, जो आम मोबाइल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको, देखिए काफ़ी अच्छा है। अब हम इसे 1 घंटे बाद, देखिए 46 मिनट बाद हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले 82% फिर से 1 आवर देखते हैं फुल चार्ज कितने देर में हो जाता है। ये देखिए 1 घंटा 16 मिनट में 100% चार्ज करके आपको दे दे रहा है। ठीक है, और जब आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो आप 1 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं, काफ़ी ये बेटर है। ठीक है, आपके लिए इसका बैटरी एम एच कुछ 3500 हो जा रहा है। ठीक है, इसका बैटरी 3500 बैटरी एम एच है जो काफ़ी अच्छा है। हम लोग गेमिंग स्टार्ट कर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियो हिंदी में देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।